कैसे कुछ पता नहीं चल रहा कमिश्नर? डैड का मर्डर हुआ है और आप कह रहे कोई एविडेंस नहीं है? हाउ इज दैट पॉसिबल? प्लीज प्लीज कुछ करिए। शांत हो जाइए, ऐसे नाश्ता कीजिए। दारा प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ डैड के कातिल का पता नहीं चल पा रहा और ऊपर से माँ को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। जब तक डैड के कातिल का पता नहीं चल जाता और जब तक मैं उसे सजा ही दिलवा देता, मैं शांत नहीं होने वाला। खैर सर, वही तो मैं कह रही हूँ, वो बाबा साहब की या बदनी व्हाट, मैं भी आता हूं। क्या हुआ कुंवर साहब? एक मिनट एक मिनट, ठीक लग रही हूं ना मैं? क्या हो गया इन लोगों को? होम डैड क्यों कर रही है? पता नहीं, विराज भाई को बुलाया तो है मैंने, अब वही आकर संभालेंगे। चाचू, ये सब क्या हो रहा है? देखो, अब बड़े भाई साथ तो रहे नहीं, और उनके बाद इस घर में सबसे बड़ा सदस्य मैं हूं, और बड़ा होने के नाते इस राजगद्दी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और बहुत जल्द मेरा राज्य अभिषेक भी होगा। अभिषेक ऐसे नहीं होगा देवर सा। माँ, डैड की 13वीं भी नहीं हुई अभी, ये सब बाद में भी हो सकता है ना? नहीं विराज, बाद में नहीं, जो फैसला होगा अब भी होगा, ताकि किसी के मन में कोई गलत फहमी ना रहे। आपके डैड वसीयत छोड़कर गए हैं, इसलिए जो भी होगा उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। पर भाभी सा, भाई साहब ने किसी भी वसीयत के बारे में जिक्र नहीं किया था। अगर वसीयत के बारे में जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वसीयत हो ही नहीं सकती देवर साहब। उन्होंने वसीयत बनाई थी जिसके बारे में हमें वृंदा जी के जरिए पता चला। अब क्या नया तमाशा करने जा रही है ये? वकील साहब, सबके सामने वसीयत पड़ी। जी। हम सूरजगढ़ के महाराज रतन प्रताप सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद राज्य की बागडोर 1 महीने के लिए हमारे दोस्त की बहन वृंदा राजपुरोहित को सौंप दी जाए। लक्ष्मी जी, क्या? What rubbish? माँ, ये सब क्या है? आप जानती हैं, डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये बिजनेस, ये राज्य, वो ऐसे किसी स्ट्रेंजर के नाम नहीं कर सकते। I'm sure इसमें कोई फॉल्ट है। विराज, अगर आप अपने डैड की इच्छा का मान नहीं रख सकते तो चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, क्योंकि इस घर में होगा वही जो वो चाहते थे। वकील साहब, आगे बढ़िए। और यदि इस 1 महीने में कुंवर विराज रतन प्रताप सिंह राज परिवार को औलाद होने की खुशी दे देते हैं तो ये सारी धन दौलत, सारा राजपाट हमारे आने वाले वारिस के नाम हो जाएगा। वरना सारी दौलत, सारी जमीन जायदाद गरीबों के नाम पर कर दी जाएगी और परिवार वालों को सिर्फ 101 रुपए मिलेंगे।
बाबा से ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें इनका सच पता था, इसका मतलब ये इनकी चाल है। मैं नहीं मानता इस वसीयत को, डैड कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसी विल वो कभी बना ही नहीं सकते। और मैं भी विराज की बात से सहमत हूं, भाई साहब कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। और नहीं तो क्या, अरे ऐसे कैसे भाई साहब किसी बाहर वाले को अपने घर और बिजनेस की बागडोर दे सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अगर एक महीने में वारिस नहीं मिला तो क्या हम सब रास्ते पर आकर भीख मांगेंगे? नहीं भाभी साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ये वसीयत ही नकली है, मुझे तो लग रहा है। नकली ही है अमिनी, क्योंकि अगर ऐसी कोई वसीयत होती तो बड़े भाई साहब मुझसे जरूर बताते, और मेरा मानना है कि ये वसीयत झूठी है और धोखे से कोई हमसे ये सब छीनना चाहता है। कोई धोखा नहीं हुआ है छोटे राजा हुकुम, ये देखिए ये वसीयत महाराज जी की हैंडराइटिंग में ही लिखी गई है। अगर ऐसी बात है तो फिर इसे चेक करवा लेते हैं, इसे हैंडराइटिंग टेस्ट के लिए भेज देते हैं। गौर साहब, जब बात रॉयल फैमिलीज या बड़े फैमिलीज की होती है तो ये सारे टेस्ट हम लोग पहले ही करवा लेते हैं, और यहाँ तो महाराज जी का मर्डर हुआ है, इसलिए ये सारे टेस्ट करवाना तो हमारे लिए और भी जरूरी हो गया था। ये लीजिए ये रिपोर्ट, ये हैंडराइटिंग महाराज जी की है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि रतन जी ने आखिर ऐसा किया क्यों। आमिर, हम तो सिर्फ उनके दोस्त की बहनें हैं, ये सब कुछ मेरे नाम करना, लक्ष्मी जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऑनेस्टली कहूं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। वकील साहब, आप नए पेपर्स बनवाइए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसे वापस करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी आप प्लीज बोलिए कुछ। नहीं, ये नहीं हो सकता बंदा जी, वसीयत में जो लिखा है वो तो सबको मानना ही होगा। और वर्षा, अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये राजवंश सब आपके ही हाथों में रहे तो आपको वारिस तो देना ही होगा। जानबूझ के ऐसी शर्त रखी है आपने, क्योंकि आप जानती हैं मैं एक पेशकन्या हूं और कुवरसा का वारिस राजमहल को नहीं दे सकती। बहुत समझदार होना तुम, अब बचकर दिखाओ मेरे इस जाल से। हम अपने पति की आखिरी इच्छा का मान रखेंगे, एक महीने तक सब कुछ वृंदा जी संभालेंगी। उसके बाद हमें अगर ये घर छोड़कर जाना भी पड़े तो हम चले जाएंगे। क्योंकि इस वसीयत के अनुसार इस परिवार के लोग इस घर में तभी रह सकते हैं जब इस घर को इसका वारिस मिले। कौर साहब, एक बार रानी माँ से बात कीजिए, उन्हें उन्हें मनाइए, पत्नी होने के नाते वो वसीयत बदलने का दावा कर सकती है। मुझे मुझे हमारी चिंता नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरा और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखोगे, लेकिन पुरखों की इस निशानी को संभालना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। एक बार रानी माँ से बात कीजिए। सितारा जी, कुंवर साहब
बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत से इस महल और इस कारोबार को खड़ा किया है, और मैं उनकी रक्षक की बेटी हूं। इतनी आसानी से उनकी मेहनत पर पानी नहीं पहनने दे सकती। और फिर वृंदा जी का क्या भरोसा, एक महीने में सब कुछ बिखेर के रख दिया तो? आपको मेरी कसम है कौर साहब, एक बार रानी माँ से बात कीजिए, उन्हें मनाइए कि वो अपना फैसला वापस ले जाए। सब खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? जी लो, पकड़ो हाथ में और बोलो भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे। किसके, तुम्हारे लिए मांगना है? दिमाग खराब हो गया क्या, क्या करवा रही हो ये सब मुझसे? तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रही हूँ अर्जुन, एक महीने बाद ना तुम्हारा यही हाल होने वाला है। लेकिन तुम्हें तो कोई पड़ी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो राजा बनना ही नहीं है। एक महीने बाद तुम अपने ही महल के बाहर बैठ के भिखारियों की तरह भीख मांगना। मुझे तो किसी और को ही ढूंढना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से तुम्हें मैं मिला हूँ, लगभग पागल हो चुकी हो तुम। क्या बोल रही हो ये सब? सही बोल रही हूँ मैं अर्जुन, अपनी आंखें खोलो। अगर उस वृंदा के हाथ में एक महीने बाद सब कुछ आ गया ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिस चीज के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की, वो यूं एक चुटकी में सब खत्म हो जाएगा। चिल्लाओ मत यामिनी, नहीं तो कोई सुन लेगा, समझी? यामिनी परेशान मत हो, कुछ करता हूं मैं। तुम क्या करोगे निठल्ले कहीं के? अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। अरे सोचने दोगी? सोच। अंजलि जी आप? जी अर्जुन जी, मैं। आप इतना डर क्यों रहे अर्जुन जी? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? मैं समझा नहीं अलबेली जी। मैं समझाती हूँ ना आपको जी। अगर आप कहें तो मैं आपको एक महीने की राजा बना सकती हूँ। दीदी से बात करके आप इतनी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या प्लान करना है वो दीदी देख लेंगी। आप बस एक बार हाँ कह दीजिए, मैं आपका काम करवा सकती हूँ। थैंक यू।